हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीगढ़ व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस वक्त हम वारसी बाईपास रोड पर हैं और आप मौसम देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो हम लोग कहीं थोड़ा सा छोटी सी ट्रिप करेंगे आज। तो हम लोग, आपने जो देखा होगा दिल्ली आगरा का जो हाईवे है GT रोड वाला NH 91, वहाँ पर जाएंगे। तो इस वक्त हम क्वारसी पर हैं, तो आपको हम दिखाएंगे कि किधर से जाएंगे पूरा। आप वो क्या, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस वक्त क्वारसी चौराहे पे खड़े हैं हम लोग, और आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड सिग्नल हो गया है, तो हम लोग वेट करते हैं। तो हमें किधर जाना है? राइट हैंड साइड पे आओगे ना? तो राइट हैंड साइड पे तो निकल सकते हैं। निकालो राइट हैंड साइड पे, श्री लेफ्ट पे जाना है ना, तो लेफ्ट पे तो जा सकते हैं। निकालो फिर राइट हैंड साइड, और स्ट्रेट वाले नहीं जा सकते हैं, बस निकालो ना। तो फ्रेंड लेफ्ट हैंड साइड वाला तो फ्री रहना है, आप जा सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हम इधर की तरफ जाएंगे, आपका NH 91 दिल्ली नोएडा वाला, तो आपको दिखाएंगे हम किधर से जाएंगे पूरा। तो हम लोग सिटी की तरफ से नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हम लोग गांव एरिया की साइड से जाएंगे, थोड़ा सा वहाँ का व्यू दिखाएंगे आपको। सिटी की तरफ से जाना होता तो हम लोग स्ट्रेट जा सकते थे, तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा गाँव के साइड के एरिया से जाएंगे आपको, तो वहाँ का पूरा दिखाते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, हम आपको दिखाएंगे वही NH 91। अगर आप यहाँ से NH 81 वाले रोड से अगर आप NH 91 की तरफ जाते हैं, तो आपको ये समझ लीजिए 5-6 किलोमीटर के अंदर बैक टू बैक 10 फ्लाईओवर मिलते हैं पूरे। तो हम आपको पूरा फ्लाईओवर दिखाएंगे। और ये अभी आप देख सकते हैं, ये क्वारसी वाला रोड है जो GVM की तरफ जा रहा है। उससे पहले राइट हैंड साइड पे एक रास्ता जा रहा है गाँव की साइड, वहाँ से हम लोग जाएंगे और आपको वहाँ से दिखाएंगे NH 91 का कौन सा रूट है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, हमें यहाँ से राइट हैंड साइड पे की तरफ टर्न करना है, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड लगा हुआ है विजम पब्लिक स्कूल सांगवान सिटी। यहाँ से आपको राइट हैंड साइड की तरफ जाना है। तो ये है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा गांव का एरिया देख लेंगे, और हम चाहते हो सीधे भी जा सकते थे क्वारसी से, जो सीधे की तरफ रोड जा रहा है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा आगे ओजोन सिटी है, वो भी दिखाएंगे हम आपको। चलो चलो चलो। सो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं विजडम पब्लिक स्कूल। किसी ने यहाँ से स्कूलिंग करी है तो नीचे कमेंट में बताना। और ये एक हॉस्पिटल है, और आगे से चल के आपको दिखाते हैं आगे का क्या व्यू है और कुछ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इतना फील्ड आपके साथ यहाँ पर अभी फील्ड बात की क्रिकेट विकेट खेलने के लिए अच्छा है काफी। और यहाँ पर देखिए आप, ट्रैफिक भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान इलाका है, रोड भी अच्छी खासी चौड़ी है यहाँ की। तो अगर कोई फ्रेंड यहाँ पर रहता हो तो बताना इस एरिया को क्या कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक दी पैलेस है ये। यहाँ पर भी वैसे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है, थोड़े बहुत अच्छे अच्छे घर बन गए यहाँ पर भी, लेकिन इस एरिया का नाम नहीं पता फ्रेंड्स। आप कमेंट करके बताइएगा इस एरिया को क्या बोलते हैं। देख सकते हैं आप कैसा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इधर राइट हैंड साइड पे खेत ही खेत चल रहे हैं, और इधर आप सामने देख सकते हैं कैसा है। ये सारी रोड बन गई है भाई दोबारा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये रोड कितना अच्छा है यहाँ से, और यहाँ से ओजोन सिटी जो है वो 1.5 किलोमीटर है सिर्फ। तो हम लोग चलिए, हम आपको ओजोन सिटी दिखाते हैं आपको। आगे आगे देख रहे हो, रोड भी काफी अच्छा है यहाँ का। और इधर देखिए आप, विलेज का सीन देखने को आपको मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ये है सागवान वर्ल्ड स्कूल, ये देख सकते हैं आप, सागवान वर्ल्ड स्कूल है यहाँ पर, काफी अच्छा बना हुआ है सागवान वर्ल्ड स्कूल, और इसे सागवान सिटी बोलते हैं। देख सकते हैं आप सागवान सिटी अलीगढ़, काफी अच्छा व्यू है देखिए सागवान सिटी। और यहाँ पर थोड़ा सा ये है, इस सागवान सिटी में जिम भी बना रखा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप, काफी अच्छा बना रखा है वैसे यहाँ पर। ये क्या हो गया सारा, ये रोड खाली खराब है। और इधर राइट हैंड साइड पे है एक स्कूल है, वाइब्रेंट पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम।
यार बैंड काफी डेवलपमेंट हो गया है, मतलब ऐसे गांव के एरिया में भी काफी अच्छे अच्छे स्कूल बने रखे हैं। रोड यहाँ का काफी खराब है, पीछे अच्छा था रोड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा क्या है, तालाब बोल सकते हैं, छोटा सा तालाब है, नाला भी चल रहा है। और ये हमारे पैरेलल में तो ये नाला चल ही रहा था, राइट हैंड साइड पे जो देख सकते हैं। और ये आगे थोड़ा सा एक तालाब है और रोड बड़ी ख़राब है यहाँ की। और ये यहाँ पर डुप्लेक्स बने हुए लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे। और ओजोन सिटी तो अभी आगे है, ओजोन सिटी आएगी तो हम दिखाएंगे। अभी ओजोन सिटी अभी आ ही रही है। और आप तालाब देखिए, देख सकते हैं तालाब, रोड देखिए कितना अच्छा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप कितना अच्छा रोड है, तालाब है। ये बोले वही नाला जो था ना यहाँ पर, यहाँ पर आके इधर इधर ही मिला दिया नाले को। रोड बड़ी खराब है यहाँ की। सो फ्रेंड अब इंतजार की घड़ी खत्म होती है, आप देख सकते हैं ये हम आपके सामने है लेफ्ट हैंड साइड का ओजोन सिटी। ये देखिए यहाँ लिखा भी ओजोन सिटी, आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा डुप्लेक्स टाइप बना रखा है पूरा। ये पूरी समझ लिया कॉलोनी टाइप का पूरा बना रखा है सामने, देखिए ओजोन सिटी ये पूरा बहुत दूर तक ये पीछे। और देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ कोई देख रहा हो अगर ओजोन सिटी से तो नीचे कमेंट कर दें। और ये देख सकते हैं आप ओजोन सिटी क्लब एंड रेस्टोरेंट, वैसे फ्रेंड यहाँ पे काफ़ी सन्नाटा है, मुझे लगता है जो अंदर पूरा होगा पूरा कॉलोनी अंदर ही सब कुछ होगी, शॉप और ही सब, क्योंकि बाहर तो मुझे दिख नहीं रहा जो अंदर लोग रहते होंगे। तो फ्रेंड वीडियो मैं यहीं रोकता हूँ क्योंकि रोड बहुत खराब है, वीडियो बहुत हिल रही है। आप बस यहाँ का थोड़ा व्यू देखिए, रोड देखिए और इधर देखिए। और अब हम डायरेक्ट चलते हैं NH 91 की तरफ, नोएडा दिल्ली वाला, वहाँ पे आपको दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत खराब बन रही है, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक स्कूल भी है, देखिए एक और ये देख सकते हैं आप, ऐसे इतना अच्छा एरिया नहीं है लेकिन स्कूल काफ़ी अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर। देखिए स्कूल ये पहले था नहीं, अभी बना है, देख सकते हैं आप। और इधर लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे लग रहा है ये पता नहीं बाजरा या फिर पता नहीं किस चीज़ से खेत हैं आप। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, पता नहीं शायद ये ब्रिज बन रहा है क्या बन रहा है। और फ्रेंड्स जो जिस रोड पे हम लोग आ रहे थे अभी भी उसी रोड पे चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक, तो बहुत लंबा रोड है, इसी रोड पे आपको सीधे सीधे चलना है। उसके बाद भाई क्या किधर मुड़ना है, फिर राइट या लेफ्ट, उसके बाद तो फिर लेफ्ट मुड़ना है, ये रोड खत्म होने के बाद। अच्छा ये रोड खत्म होने के बाद लेफ्ट मुड़ना है हमें, फिर उसके बाद जहाँ कहाँ मुड़ना होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो पे बने रहिए और फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक करिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम लोग कम से कम 8-10 किलोमीटर चल चुके हैं, उतना खराब रोड है। हम लोग सोच रहे थे कि शॉर्ट पड़ जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको अगर उस रोड पे जाना है NH 91 का, अगर क्वारसी की तरफ से जा रहे हैं तो आप कभी इस रोड पे मत आइएगा। आप देख सकते हैं ये बहुत बुरा रोड है, थोड़ा सा शॉर्ट ही तो है लेकिन बहुत बुरा है। आप वहीं से जाइए वाला जो रोड है क्वारसी सीधा वाला, वहीं से जाइएगा। पहले जब हम लोग आए थे 2-3 साल पहले तो बहुत अच्छा था, अभी बहुत बुरी कंडीशन हो गई इस रोड की। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ बोर्ड लगा हुआ है थैंक्स ओजोन सिटी। और इधर से अगर जाएंगे आप तो ओजोन सिटी 2 किलोमीटर है। तो फ्रेंड ये समझ लिए ये क्वारसी से अगर आप इसे मेजर करेंगे तो ये कम से कम 8-10 किलोमीटर का रोड है, और आधे से ज़्यादा ये मान लिए कि ख़राब है पूरा ये रोड। अब हमें लेफ्ट हैंड की साइड जाना होगा, और ये जो राइट हैंड साइड की तरफ जो रोड दिख रहा है आपको ये वही वाला रोड है जो अगर आप क्वारसी की तरफ से आते हैं। तो ये है कि अगर हम क्वारसी की तरफ से आते हैं तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ता और हमें रश भी मिल सकता था काफ़ी, तो हम लोगों ने इसीलिए ये वाला रोड प्रेफर करा, ये गांव वाला, लेकिन ये काफ़ी ख़राब है तो हमें इधर लेफ्ट हैंड की साइड जाना होगा। और आगे चलिए हम आपको दिखाते हैं। और फ्रेंड्स ये आ चुका है रोड, और आप ये देख सकते हैं आपकी यात्रा मंगल हो। कानपुर है यहाँ से 292 किलोमीटर और कासगंज 211। तो देखिए हम आ चुके हैं शहर की तरफ, हमने पूरा गांव वाला रोड क्रॉस कर लिया है, तो ये समझ लीजिए पूरा फिल गया, पूरी बॉडी लीज इतना खराब रोड का। तो अब किधर जाना होगा भाई, अब यहाँ राइट मुड़ना होगा, राइट मुड़ना होगा, उसके बाद आ जाएगा क्या ईटा वाला। राइट मुड़ेंगे फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ा सा आगे 1.5 किलोमीटर चल के राइट हैंड की तरफ लेंगे, फिर आपका NH 91 आ जाएगा। अगर फिर वहाँ से अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो ईटा की तरफ पहुँच जाएंगे, और राइट की तरफ जाएंगे तो आपका अलीगढ़ क्रॉस करते हुए दिल्ली नोएडा की तरफ आ जाएंगे। और उसी रोड पर ये समझ लीजिए आप ईटा से अलीगढ़ पहुँचते मतलब 5-6 किलोमीटर के अंदर बैक टू बैक 10 फ्लाईओवर पड़ेंगे आपको। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
और फिर थोड़ी हल्की धूप आ गई है, लेकिन मौसम बड़ा अच्छा है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं बुलंद शहर 86 किलोमीटर है और दिल्ली 50 किलोमीटर है, सॉरी 150। यहीं से उड़ना है लाइट राइट। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ जाना है, यहाँ रोड वैसे काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रश भी काफ़ी है। ये है क्या राइट हैंड साइड पर? तो फ्रेंड राइट हैंड साइड पर ये दिल्ली नोएडा वाला है और लेफ्ट हैंड साइड पे ये जा रहा है रोड, ये एटा, ये आपका एटा जा रहा है, एटा कानपुर, और यही से शिका झील भी जाएंगे। तो शिका झील की वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमें बताइएगा फ्रेंड्स। और ये आप हम चल रहे हैं इधर आपका अलीगढ़ साइड, मतलब ये रोड आपका दिल्ली नोएडा की तरफ जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग को यहीं पर आना था फाइनली। तो फ्रेंड्स हम अगर उधर शहर साइड से आते तो काफ़ी रश मिल सकता था, इसलिए हम गाँव की तरफ से आए। लेकिन पहले 2 साल पहले आए थे तो बड़ा अच्छा था, लेकिन अब रोड ख़राब हो गई है। तो फ्रेंड इसी रोड पर आपको ये समझ लीजिए 5-6 किलोमीटर का है, 10 बैक टू बैक 10 फ्लाई ओवर मिलेंगे, मैं फ्लाई ओवर दिखाऊंगा आपको। वैसे आप फिलहाल अभी इस रोड का व्यू देखिए कैसा है, काफ़ी हवा चल रही है यहाँ पर। ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 मीटर चले हैं और आपको सामने दिख रहा होगा कि पहला फ्लाई ओवर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि अभी हम पहले फ्लाईओवर से अभी पूरा क्रॉस भी नहीं करा है और सामने आपको सेकंड फ्लाईओवर दिख रहा होगा। देख सकते हैं आप सेकंड फ्लाईओवर हमारा मतलब थोड़ी देर में स्टार्ट जाएगा, सुबह दिख तो रहा है आपको, देख सकते हैं सेकंड फ्लाईओवर आपके सामने ही है। तो अब फर्स्ट फ्लाईओवर खत्म हो गया, सेकंड फ्लाईओवर पे जैसे चढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये आपका सेकंड फ्लाईओवर स्टार्ट हो गया, ये सेकंड फ्लाईओवर है आप देख सकते हैं पूरा, इतना अच्छा व्यू है यहाँ का। फ्रेंड्स काफी हवा चल रही है, वैसे मौसम बहुत अच्छा है आज, और आप फ्लाईओवर के नीचे का व्यू देखिए। किलो गोश्त है 600 बकरे का गोश्त, कितना किलो होगा ये? 1 किलो 2 किलो? चलो सही है, एंजॉय करो। आप देख सकते हैं कि सामने हम पहुंच चुके हैं थर्ड फ्लाईओवर पर, ये थर्ड फ्लाईओवर है आप देख सकते हैं, ये हमें भाई मिल गए, हम तो रेस लगा रहे हैं। ये कुछ ऐसा व्यू थर्ड फ्लाईओवर का, और यहाँ पर हमारे पैदल में एक और फ्लाईओवर चल रहा है, पता नहीं कहाँ पे जा रहा है, लेकिन आपको नहीं पता चलिए अभी।
आप देख सकते हैं सामने हमारा फोर्थ फ्लाईओवर है। आप देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा है, बादल देख रहे हैं कितना अच्छा है बादल। देख सकते हैं अभी फोर्थ फ्लाईओवर के ऊपर चल ही रहे हैं और आपके सामने देख सकते हैं फिफ्थ फ्लाईओवर हमारा आने वाला है। कभी ये फ्लाईओवर खत्म भी नहीं हुआ, दूसरा बना दिया। और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं काफी तेज हवा चल रही है, थोड़ी ज्यादा तेज नहीं चला रहा हमारा भाई, लेकिन हवा इतनी तेज है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत तेज चल रहे हैं। तो ये अलीगढ़ के अंदर ही चल रहे हैं हम लोग इस महीने। ये थोड़ा सा मतलब कहीं पर फैक्ट्री है या फिर कहीं पर कुछ रोड है या कोई मार्केट है, इसलिए यहाँ पर इतने सारे फ्लाईओवर बना चुके हैं। आप देख सकते हैं ये फिफ्थ फ्लाईओवर का, ये फिफ्थ फ्लाईओवर है सकते हैं। ये राइट हैंड साइड पे तो ये अलीगढ़ शहर की तरफ जा रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं ये रोड है, ये आपका खैर टप्पल और ये दिल्ली की तरफ जा रहा है, मतलब यमुना एक्सप्रेस वे जाने के लिए आप इधर की तरफ जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं इधर भी वाटर पार्क इधर ही पड़ता है और ये अलीगढ़ शहर की तरफ जा रहा है और ये सामने जो है ये आपका बुलंदशहर दिल्ली खुर्जा। आप सामने देख सकते हैं ये आपका गेट फ्लाईओवर है, यहाँ पर आठवां फ्लाईओवर है।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये आपके सामने है 9th फ्लाईओवर। फ्रेंड्स देखिए समझ लीजिए 4.5 किलोमीटर कवर कर चुके हैं हम लोग और ये आपका नवा फ्लाईओवर है। तो बैक टू बैक आपको 9 फ्लाईओवर दिखा दिया हमने, एक फ्लाईओवर और बाकी, उसके बाद हम अलीगढ़ शहर की तरफ एंटर कर लेंगे और जो सीधा रोड जाएगा वो आपका दिल्ली नोएडा की तरफ। ये जी टी रोड चल रहा है पूरा और अगर आप पीछे की जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोड था वो अगर आप मुझे अपना जाना तो आ गया 9th फ्लाईओवर में देखा काम आप देख सकते हैं अभी हम 9th फ्लाईओवर पर चल ही रहे हैं और अभी ये पूरा क्रॉस नहीं करा है और सामने आप देख सकते हैं कि आपको 10th फ्लाईओवर दिख रहा होगा। सामने आपको देखिए ये 10वां फ्लाईओवर दिख रहा है आपको। अभी हवा चल रही है फ्रेंड, काफी ठंडा मौसम है। तो आज छोटी सी हमने एक छोटी सी ट्रिप ली थी यहाँ पर और हमें किसी काम से शहर अलीगढ़ शहर जाना था तो हमने कहा चलिए एक थोड़ी वीडियो बना लेते हैं। तो भैया हम शहर की तरफ चलेंगे, आपको पूरा अलीगढ़ शहर दिखाएंगे। ये आपको देख सकते हैं कि 10th फ्लाईओवर पे चल रहे हैं इस वक्त। अलीगढ़ की तरफ जाना है तो हमें फ्लाईओवर में चढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग फ्लाईओवर के नीचे से ही अलीगढ़ शहर की तरफ चढ़ लेंगे। देख सकते हैं आप खुर्जा बैठना शहर गाजियाबाद और अलीगढ़ के राइट की तरफ, तो जिसे अलीगढ़ क्रॉस करना है वो तो नीचे से निकल जाएगा तो हमें 11th फ्लाईओवर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग फ्लाईओवर के नीचे से ही अलीगढ़ शहर की तरफ मुड़ जाएंगे और आपको पूरा शहर का व्यू दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं वैसे सामने 11th फ्लाईओवर है लेकिन हमें वहाँ जाना है। पर थोड़ा सा देख रहे हैं आप कितना रश लगा हुआ है, मुझे जाम लग गया है क्या पता नहीं क्या हो गया। वैसे दिल्ली जाना है उसके लिए ही बस हमें थोड़ा यहाँ पर अलीगढ़ जाना है तो हमें ये फ्लाईओवर के नीचे राइट हैंड साइड की तरफ हम आपके अलीगढ़ की तरफ चले जाएंगे। ये जी टी रोड चल रहा है फ्रेंड पूरा, तो राइट हैंड साइड की तरफ फ्रेंड ही धूप आ गई है हमें फ्लाईओवर के नीचे से। ये 11th फ्लाईओवर था ऊपर और यहाँ से हम राइट हैंड साइड पे मुड़ के ये अलीगढ़ शहर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो हमें अलीगढ़ शहर में थोड़ा सा काम है, वो पूरा अपना काम करके तब चलेंगे। तो आप चलिए अलीगढ़ शहर का व्यू देखिए, आप देख सकते हैं ये बस स्टैंड यहाँ से है, अलीगढ़ का बस स्टैंड है 7 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर और मुरादाबाद 149। तो हम लोग आज फाइनली अली जी टी रोड क्रॉस करके अलीगढ़ के अंदर आ चुके हैं। बोलते हैं ज्यादा वैसे मतलब बाईपास क्रॉस कर चुके हैं ना, जी टी रोड वाला बाईपास। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा आप। तो आप देख आपको हमने दिखाया बैक टू बैक 10th फ्लाईओवर 5 किलोमीटर के अंदर और अब हम अलीगढ़ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा व्यू देखिए अलीगढ़ के शहर का। तो फ्रेंड्स ये जो आपने वीडियो देखी ये वीडियो तो काफी लंबी हो गई है, तो अब ये इतनी लंबी वीडियो तो अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगा और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। इस पूरी वीडियो का अगर आपको एंड तक देखना है तो इसका नेक्स्ट पार्ट एक दो दिन में अपलोड जाएगा, उसको जाके देख लीजिएगा। तो जब तक के लिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जब तक के लिए बाय।